नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद कासगंज पुलिस ने जिलाधिकारी हर्षता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के आदेशानुसार अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने 100 करोड़ 28 लाख 60 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाना पटियाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन की चेयरमैन के पति नफीस अहमद उर्फ कालिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने 1993 से अपराध जगत में सक्रिय रहते हुए समाज विरोधी कार्य कर धन से चल अचल संपत्ति अर्जित की थी। संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर जब्त किया गया है। कासगंज से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। न्यायालय के आदेशानुसार तहसील पटियाली के वार्ड संख्या 704/2022 सरकार बनाम अहमद नफीस उर्फ कालिया अंतर्गत धारा 14(1) अधिनियम गृहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 कुर्क शुदा संपत्ति गाटा संख्या 10/42/0.433 व 10/18/0.138 को कुर्क किया गया है। सर, थाना पटियाली क्षेत्र अंतर्गत जो कुर्क की कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के नियंत्रण और उनके ऊपर अंकुश लगाने हेतु शासन के द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसके फलस्वरूप वार्ड संख्या 704/22 माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उपरांत जनपद कासगंज में पटियाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बरगेन में आज लगातार इस वाद में कुर्की किया जा रहा है। इसमें करीब 47 अचल संपत्ति नोटेड है और उसमें लगातार कुर्की किया जा रहा है। इसका अनुमानित मूल्य जो है करीब 100 करोड़ 28 लाख 60 हजार रुपए है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।